हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो परचेज एक्सपेंसेस के ऊपर है। यहाँ पर देखिए, मेरे ऑफिस में कुछ ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे से एक बिल आता है जो मेरे वेंडर है उनकी तरफ से। यहाँ पे देखिए, एम के ऑफिस सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी है जो मुझे बिल प्रोवाइड करती है। उसमें दो तरीके के GST रेट्स होते हैं, एक होता है ऑफिस एक्सपेंसेस 18% और दूसरा होता है ऑफिस एक्सपेंसेस 12%। तो इसकी एंट्री मैंने इस तरीके से की है। यहाँ पर देखिए, CGST SGST 9.9% लिया है और यहाँ पर CGST SGST 6.6% लिया है। मतलब ये मेरा 18% वाला स्लैब हो गया और ये मेरा 12% वाला स्लैब हो गया। तो ये मेरा कैलकुलेशन प्रॉपरली आ रहा है यहाँ पर। इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, एक एंट्री करके देखते हैं। हम लोग इसका दूसरा बिल बनाते हैं, यहाँ पर 2 तारीख में बना लेते हैं और इसका जो बिल नंबर है उसको हम लोग 2 रखते हैं। तो ये परचेस के बिल की एंट्री हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसके जो लेजर के क्रिएशंस कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, एम के ऑफिस सॉल्यूशंस, कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सन्ड्री क्रेडिटर एक्सपेंसेस में क्रिएटेड है और ये यहाँ से हम लोग को कंट्रोल ए कर देना है। अभी यहाँ पर और एक चीज़ होती है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, सो कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, अगर ये यहाँ पर यस रहेगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे 12% 18%। यहाँ पर आपका जो कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन है उसमें आप एक ही परसेंटेज डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 18 लिया तो पूरा 18 में ही आ जाएगा, यहाँ पर अगर 12 लिया तो पूरा 12 में आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आपको, जब आपका मल्टीपल टैक्स रेट का एंट्री होता है तो उसके लिए आप यहां से सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, यहां पे आपको इसको नो कर देना है। तो आपका यहां से वो हट जाएगा। देखिए, यहां पर वो है ही नहीं अभी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आने के बाद आप और एक चीज़ कर दीजिए, यहाँ पर चेंज मोड में जाइए और इसको अकाउंटिंग इन्वॉइस कर दीजिए। तो ये अभी ये अकाउंटिंग इन्वॉइस हो गया और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए। अभी यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस, मेरे 2 टाइप के एक्सपेंसेस है। एक मैं 18% लेता हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस 18% कैसे क्रिएट किया है यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस 18% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है क्योंकि ये मेरा खर्चा है और इसको मैंने 18% में ही यहाँ पर रखा हुआ है। HSN जो भी आपका होगा, एज़ पर यहाँ पर कंपनी ग्रुप रखा हुआ है मैंने, बिकॉज आपका जब बिल आएगा तो उसमें HSN कोड ऑलरेडी होगा, जो आपकी पार्टी, आपका जो वेंडर होगा वो आपको देगा। तो वो हिसाब से आप HSN डाल सकते हो। यहाँ पर GST रेट डिटेल्स, स्पेसिफाइड डिटेल्स, ईयर में मैंने GST रेट को 18% ही रखा हुआ है। सेम ऐसे ही मैंने 12% वाला भी क्रिएट किया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं 6,000 रुपये और दूसरा वाला यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस 12%। ये कैसे क्रिएट किया, बैक स्पेस आया मैं और यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एंटर। सेम है क्रिएशन का, ऑल्ट सी करके आप क्रिएट करते हो। यहाँ पर आप नाम डालते हो, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा ये मेरा और यहाँ पर देखिए मैंने इसका GST रेट 12% रखा हुआ है। इसको भी हम लोग लेते हैं 6,000 रुपये ताकि हमको नीचे यहाँ पर प्रॉपरली दिखे। अभी क्रेडिट CGST 9% वाला लेते हैं पहले। तो ये देखिए 540 हुआ है, कंट्रोल एंड 6,000 इंटू 9% करके देखते हैं हम लोग। 540 रुपये यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर में प्रॉपर आया हुआ है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन प्रॉपर हुआ है। क्रेडिट CGST हो गया है यहाँ पर, अभी क्रेडिट SGST 9% 540 आए। अभी यहाँ से हम लोग लेंगे क्रेडिट CGST 6% वाला, बिकॉज ये 12% वाला भी है। तो इसको क्रिएट कैसे करना, एक बार यहाँ पे वही सेम क्रिएशन है, लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन पे मैं हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके आपको बता रहा हूँ। क्रेडिट CGST 6%, यहाँ पर आप इनपुट CGST 6% भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने अलग अलग लेजर्स बनाए हुए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा ये। सेम आपका क्रेडिट CGST 9% भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप CGST है और यहाँ पर मैंने 6% रखा हुआ है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। और यहाँ पर राउंडिंग मेथड जो है वो नॉर्मल राउंडिंग है, क्रिएशन सेम होता है। चाहिए तो आपको एक क्रेडिट CGST यहाँ पे 14% वाला आपको एक करके बता देता हूँ जो हम यूज़ करेंगे नहीं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, यहाँ पे ये CGST है तो CGST लेंगे। कॉस्ट सेंटर को नो रखते, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन इसका होगा 14, बिकॉज ये 28% वाला मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसलिए CGST 14 होगा और SGST भी 14 होगा।
तो इस तरीके से क्रिएट होता है। अभी इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट CGST 6% वाला। देखिए 360 रुपये आया है। अभी हम लोग एक बार कैलसी में जाके देख लेंगे। पहले मैं यहाँ पे SGST भी यहाँ पर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं हम लोग 6000 × 6%। ये देखिए 360 रुपये आया है। तो इसका भी कैलकुलेशन हमारा प्रॉपर है। तो इस तरीके से होती है एक्सपेंस की एंट्री, जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर नरेशन में आप डाल सकते हो किस बारे में था ये, आपके बिल में क्या क्या था। अभी ये मेरा जो रिलेटेड है वो कॉफ़ी मशीन के इंग्रेडिएंट्स पे रिलेटेड है। तो मेरा जो कॉफ़ी मशीन होता है उसमें हम लोग शुगर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, और जो भी उसका रेंट होता है, उसकी सर्विसिंग होती है, वो सब चार्जेस होते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर नरेशन में डाल देते हैं बिकॉज उनके बिल में लिख के आता है, वैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नरेशन में। तो इस तरीके से इसकी एंट्री की है मैंने। अभी इसको मैंने एक्सेप्ट किया, मैं पेज अप की प्रेस कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये इस तरीके से दिख रहा है 18%, 12%। ये प्रॉपरली आपका इस तरीके से पूरे का पूरा कैलकुलेशन हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो HSN SSC में, यहाँ पे देखिए 6000 का 9% और ये दूसरा वाला 9% CGST SGST का पूरा बाइफर्केशन है। और यहाँ पे 18% वाला भी है प्रॉपरली, और 12% वाला भी 6-6% में बराबर बायोफर्केट हुआ है। तो इस तरीके से होती है ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब वो मल्टीपल टैक्स रेट्स में आते हैं तो किस तरीके से आप इसको करोगे, उसके ऊपर है ये, उसके ऊपर ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा आपको इसी तरह के एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, टेक केयर।